लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर को हैप्पी 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 न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमरान शेख, एक बार फिर खुश आमदीद मेरे इस नए ब्लॉग में। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त 2022 का इख्तिताम होने जा रहा है और अब से कुछ देर बाद 2023 का आगाज़ हो जाएगा। इंशाअल्लाह आने वाला साल जो है ना वो खैर वाफियत का होगा, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और इसी सिलसिले में हमें आज पिज़्मा की जानिब से इनवाइट किया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपल्स स्क्वायर पर। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है जिसको हमने ज्वाइन किया है। मैंने सोचा क्यों ना ये खुशियों भरे लम्हात अपने व्यूवर्स के साथ शेयर किया जाए न्यूयॉर्क के, और इसी सिलसिले में हम यहाँ पहुँच गए हैं। आइए फिर चलते हैं और इन खुशियों भरे लम्हात को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि हम तो इन्जॉय करेंगे, हमारे साथ साथ आप भी इन्जॉय करिएगा। लेकिन प्लीज़ आप हमारे साथ रहिएगा, कीप वॉचिंग, स्टे विद अस। तो फिर चलते हैं, लेट्स गो। ये देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ जो है ना पीपल्स स्क्वायर स्क्वायर में मौजूद हूँ और यहाँ बहुत ही जबरदस्त न्यू ईयर के हवाले से एक जो है ना इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ जहाँ तक देखे हद्दे नजर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, बिलखसूस यहाँ पर लोग फैमिलीज के साथ मौजूद है। एक तो म्यूजिकल प्रोग्राम तो अपनी जगह चल रहा है, फूड स्ट्रीट भी कायम की गई है, ये देख सकते हैं। माहौल बहुत अच्छा है, जगह बहुत बड़ी है, क्राउड मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ आ सकता है। फसल है बहुत जबरदस्त, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा है जवाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ खिजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब का कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। मेरी तरफ से इमरान भाई के तमाम बिल्कुल साल नो बहुत बहुत मुबारक। मकसूद भाई ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाजों का चुनाव किया है, और जिसमें आने वाले साल के बारे में जो इन्होंने एक दुआ कह लें, आप ये एक प्रे कह लें कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से आने वाला साल जो है ना हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, हर तरफ खुशियाँ खुशियाँ होंगी। उसके अलावा यहाँ का जो हम पीपल्स स्क्वायर पर मौजूद हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर फैमिली के लिहाज से आप आ सकते हैं, फुल टाइम इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ जो है ना फूड्स भी बहुत ज़बरदस्त अवेलेबल हैं, और मेरी तरफ से भी मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को हैप्पी न्यू ईयर। भाई हर आने वाला साल अल्लाह ताला करे आप लोगों के लिए पहले से बेहतर हो, अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर करें और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा काम करें, ताकि लोग आपके काम को और पसंद करें। और सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, अपना बहुत ख्याल रखें, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे आप लोग आए, आप लोगों से मिल के बहुत खुशी हुई, और अल्लाह ताला आप लोगों की जो नया आने वाला साल है उसकी जिंदगियों में आप लोगों की बेहतरी चले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। व्यूअर्स देख सकते हैं ये है फरहान भाई, हम कुछ इजहार करेंगे न्यू ईयर के हवाले से, कुछ कहेंगे। एग्जैक्टली यही कहना चाहेंगे हम लोग के 2022 जो है हमारे लिए बड़ी परेशानियों का 22 गुजरा है, और बड़ा कत्लो आम गुजरा है और बड़ी परेशानी में गुजरा है, ठीक है। तो 2023 को हम लोग वार्म वेलकम करने के लिए पीपल स्क्वायर पे आए हुए हैं, अभी आतिशबाजी भी होगी और अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे फैमिलीज आई हुई है, फुल फैमिली माहौल है, एंजॉय कर रहे हैं लोग। थैंक यू सो मच फरहान भाई। और न्यू ईयर में हम साल अच्छे कुछ देर के बाद जो है वो नए साल में दाखिल होने जा रहे हैं, और इस बार की पूरी टीम यहाँ पीपल्स स्क्वायर पे मौजूद है और आज के इस सेलिब्रेशन को ना सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं बल्कि एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट को यहाँ पर हम विटनेस कर रहे हैं। मेरे साथ बाबर भाई मौजूद है, बाबर डार को आप जानते हैं,
सदर है पिस्मा के, और ये तमाम तरह एक्टिविटीज जो आप देखते हैं इसके पीछे बाबर भाई और दीगर दोस्तों का बहुत अहम किरदार होता है। बाबर भाई किस तरीके से न्यू ईयर लाइफ मना रहे हैं? भाई पहले तो आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे। लैन भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए टाइम निकाल के। रान भाई आपका बहुत शुक्रिया। जमीर भाई को हम मिस कर रहे हैं आज यहाँ पे। जमीर भाई नहीं आज यहाँ पे। बाकी है कि सबके लिए भाई बहुत ज्यादा दुआएं कि अल्लाह ताला आप सब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और आज यहाँ पे हम लोग पीपल स्क्वायर पे सारे जमा हैं, अल्लाह ताला आप सबको जो है तरक्की दे और आप लोग जब अगले साल यहाँ पर आए तो आप सब जो है एक बहुत बड़े यूट्यूबर एक सेलिब्रिटी बन के यहाँ पर आए और आप लोगों के अपने फॉलोअर भी इतने हो जाए कि हमारे प्रिज्मा का नाम भी दुनिया में जो है रोशन हो जाए। शान भाई मौजूद है। फिर आज जो है पाकिस्तान सोशल मीडिया एसोसिएशन सालन जो नया साल है 2023 का, उसका जश्न मना रही है पीपल्स स्क्वायर में और हमारी तमाम यूट्यूबर्स की टीम, हमारी कमेटी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं और सब माशाल्लाह बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको देखने के लिए जिनके पुरस्कार यहाँ पर आ जाए, जिस पर पीपल्स स्क्वायर में चार चांद लग गए और लोगों का रश इतना नहीं होता था जितना आप लोगों की वजह से, आप लोगों के चाहने वालों की वजह से आज इतना यहाँ पर रश है। हैप्पी न्यू ईयर अगेन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त आपका? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान भाई कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? मैं इंडियन हूँ। हमारे हमसाए मुल्क से यहाँ तशरीफ लाए हैं। कब से हैं आप यहाँ पे? मेरे को वन मंथ हो गया। वन मंथ हो गया। कैसा लगा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कल्चर आपको? बहुत अच्छा कल्चर लगा मेरे को। लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। लोग यहाँ के अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं। बहुत कोऑपरेशन है, बहुत कोऑपरेशन, बहुत बहुत प्यार करते हैं। सुना ही सुना था बट नॉन स्टॉप कोऑपरेशन करते हैं यहाँ के लोग, कोऑपरेट करते हैं। कुछ कहेंगे न्यूयॉर्क के वाले से आप? मेरी तरफ से सबको हैप्पी 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 न्यू ईयर, पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान। और मेरी तरफ से भी पाकिस्तान, इंडिया और ऑल वर्ल्ड में तमाम तमाम लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच ब्रदर, आपने टाइम दिया। थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह क्या इस खूबसूरत समा है। यहाँ आतिशबाजी के फुल नज़ारे चल रहे हैं यहाँ पर और लोगों का जो है ना एक हजूम है यहाँ पर। मैं सब जगह जो है ना लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं और मेरी तरफ से और मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बोलो 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 बोलो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। ये देखिए अब ये छोटे छोटे पटाखों की आवाज़ सुने आप। ये देख सकते हैं कि इस टाइम यहाँ से निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो ना रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं इस वक्त बाहर निकलने के बाद। और अब हम लोग अपनी मंजिल की जानी बढ़ रहे हैं आगे। ये देखें अच्छा यहाँ का मैंने जैसे बताया तो वहाँ म्यूज़िकल इस टाइम जो है ना प्रोग्राम चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू है। और यहाँ जो है ना फूड का बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ पर हर तरह का फूड आपको अवेल मिलेगा। बिलखसूस यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लेटर हाउस की तरफ हम जा रहे हैं जिसकी अभी रिसेंटली ही ओपनिंग की गई थी। अब दोबारा हम बढ़ रहे हैं यहाँ की जानिब और यहाँ बैठ के थोड़ा रिलैक्स होंगे क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से जो है ना हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और कवरेज कर रहे थे। मैं थैंक्स कहूँगा बिलखसूस पिज्मा का, बाबर भाई का। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी सर यसी न्यू ईयर। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर 23। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जैसे कि आपने देखा सेलिब्रेशन की लाइफ
चुका है और नए साल का आगाज हो चुका है। हमारी बेस्ट विशेज है कि यह आने वाला साल हमारे लिए एक खुशगवार साबित हो, यहाँ का माहौल अच्छा हो, आज कुछ दिन ही आए। इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं और जिंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे और इसी तरह आप हमारे प्यार बड़े उम्मीद करते रहे ताकि हमारे का चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, की बात सी होगी। अल्लाह हाफिज़।